नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण मसले को लेकर, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की ओर से शुरू किए गए जेल भरो आंदोलन को लेकर चर्चा करेंगे। एक तरफ प्रदेश में कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना काल में आंगनवाड़ी वर्कर्स के इस जेल भरो आंदोलन ने सरकार और लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। आज आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारियां दी। इस दौरान सड़कों पर आंगनवाड़ी महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बहुत कम लोगों के मुंह पर मास्क था, जिसके मुंह पर मास्क था भी वो मुंह के नीचे था। और सोशल डिस्टेंसिंग तो आप भूल ही जाइए। जहां आंगनवाड़ी वर्कर सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सरकार दावा कर रही है कि हम इनकी मांगों को लेकर गंभीर हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए कई बड़ी घोषणा की गई थी। ऐसे में सवाल यह है कि जब सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स की मांगों को लेकर गंभीर दिखाई दे रही है, तो कोरोना के जबरदस्त खतरे के बीच इस जेल भरो आंदोलन की जरूरत क्या थी, और क्या यह सीधे तौर पर कोरोना को न्योता देने जैसा नहीं है, और क्या इस जेल भरो आंदोलन को कुछ दिनों के लिए टाला नहीं जा सकता था। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप जान पाएंगे कि किस तरीके से आज सड़कों के ऊपर आंगनवाड़ी वर्कर्स का ये प्रदर्शन देखने को मिला, ये जेल भरो आंदोलन देखने को मिला। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और ये दो तस्वीरें इसलिए क्योंकि गैस टीचर्स भी इससे पहले आपको याद होगा कि लगातार धरना दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी कुछ मांगे थी, लेकिन आज सरकार से उनकी बातचीत हुई। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गैस टीचर्स का एक डेलीगेशन मिलने के लिए पहुंचा, और बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर सहमति बन गई, लेकिन जानकारी ये मिली कि कुछ मांगों को लेकर सहमति नहीं बनी है, जिसमें दो प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर सहमति नहीं बन पाई। तो दूसरी तरफ आंगनवाड़ी वर्कर्स की तरफ से आज जेल भरो आंदोलन किया गया, और ये जेल भरो आंदोलन करने का फैसला आंगनवाड़ी वर्कर्स की ओर से ऐसे समय में लिया गया जब प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में इस जेल भरो आंदोलन की जरूरत क्या थी, यह सवाल आज हर कोई पूछ रहा है। और चलिए अब हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये चरखी दादी की तस्वीरें हैं। ये हम दिखा रहे हैं कि क्योंकि सभी जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर्स की ओर से आज ये जेल भरो आंदोलन किया गया, कहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। इस कोरोना काल में इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना को लेकर यहां बेपरवाह ये सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स दिखाई पड़े, और इसका सबसे ज्यादा असर अगर किसी के ऊपर पड़ेगा तो वो आम लोग जो कोरोना को लेकर अभी भी अपने घरों में दुबके हुए हैं, या यूं कह लीजिए कि घर से बाहर निकलने में परहेज कर रहे हैं, उन्हें डर है कि कहीं कोरोना की चपेट में वो और उनका परिवार ना आ जाए। सरकार की ओर से भी तमाम तरह की बंदिशें लगाई गई हैं, तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन ऐसे समय में आंगनवाड़ी वर्कर्स की ओर से ये जेल भरो आंदोलन बड़े स्तर पर किया गया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आपको हो सकता है कि इन महिलाओं के मुंह पर मास्क जरूर नजर आए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज आपको यहां दिखाई नहीं पड़ेगी। और ये जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं ये जींद की तस्वीरें हैं। देखिए जिले जिले की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यानी कि जींद जिले में कैसा हाल देखने को मिला। अगर हम बात करें चरखी दादरी की तो वहां पर कैसे हालात रहे, ये अलग अलग जिले की तस्वीरें इसीलिए हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और गिरफ्तारियां दी गई इन महिला वर्कर्स की ओर से, आंगनवाड़ी वर्कर्स की ओर से, उसकी ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं, एक के बाद एक ये जो महिला हैं यहां जुटी, और भारी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति यहां पर देखने को मिली कोरोना के काल में। अब देखिए बहुत बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनके मुंह पर मास्क आपको दिखाई, अगर उन्होंने मास्क लगा भी रखा है तो मास्क जो है वो उनके मुंह के नीचे है, यानी सीधे तौर पर कोरोना को दावत देने की कोशिश यहां पर एक तरीके से की जा रही है। ये फतेहाबाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये फतेहाबाद की तस्वीरें आपके सामने, चरखी दादी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इससे पहले जींद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, मांग है 2018 में जो हमारा समझौता हुआ था, सरकार ने अभी तक वो नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हमारी कोई नए मांग मुद्दे नहीं है, 2018 के ही हमारे मांग मुद्दे हैं,
और बकायदा सीएम ने और पीएम ने लाइव आकर खुद आंगनवाड़ी वर्करों को एक तोहफे के रूप में दिया था और कहा था दिवाली पे सभी बहनों को तोहफा मिलेगा। वो 3 साल हो गए हमें, अभी तक नहीं मिला, वही हमारे मांग थे। इससे पहले भी हमने नोटिस देने के लिए गए थे, इन्होंने हमारा नोटिस रिसीव नहीं किया, तो उस नोटिस के माध्यम से हम इनको यही बताना चाहते थे अगर आप 100 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे होते तो आपको जो कंसर्न एसडीएम है उनसे मंजूरी लेनी पड़ेगी, अगर उसके बाद भी आप मंजूरी भी नहीं लेते हैं प्रदर्शन करते हैं तो ये आपके जो कोविड के एसओपी राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है उसकी उल्लंघना है और उसकी उल्लंघना में जो भी कार्रवाई बनेगी, जो भी एफआईआर बनेगी, जो भी अरेस्ट होगी हम करेंगे, इसमें कतई संकोच नहीं है किसी प्रकार का और कानून व्यवस्था को भंग नहीं होने दी जाएगी। दूसरों का जो जीवन है बहुत महत्वपूर्ण है और उनको बचाने के लिए हमें जो भी कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स बहनें और भाई आए थे हमारे पास, इनकी कुछ मांगे हैं, इनके विभाग से संबंधित मांगे हैं, इनकी जो कुछ घोषणाएं हैं जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी उनको लेकर व कुछ डिपार्टमेंटल प्रमोशंस को लेकर इनकी कुछ मांगे हैं, तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि हम इनकी मांगों को अपनी रिकमेंडेशन के साथ, जैसा कि इन्होंने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया टीकाकरण में किया, उसको मेंशन करते हुए और इनको आगे भिजवाएंगे। 2018 में समझौता हुआ था जिसमें हमारी 19 मांगे हैं, वो 19 मांगे सरकार ने हमारी नहीं मांगी, हमारी 7 बार वार्ता हो चुकी है, 7 बार वार्ता विफल रही है और अब हम सरकार को ये जताना चाहते हैं कि अगर हमारी समय रहते मांग पूरी नहीं की तो हम आंदोलन को और तेज करेंगे। तो यही आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा, कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सत्वत शास्त्री जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए, बाल मुकुंद शर्मा जी जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़ गए, तारा देवी जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं आंगनवाड़ी वर्कर संघ रेवाड़ी की, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले तारा देवी जी आपके पास आते हुए, अभी हम देख रहे हैं आपको कि आपके मुंह पर मास्क है और ऐसा लग रहा है कि कोरोना की सबसे बड़ी चिंता अगर किसी को है तो वो आप ही को है, लेकिन जो सड़कों पर आज देखने को मिला, अगर इतनी ही चिंता आपको कोरोना की है, कोरोना से इतना ही अगर आपको डर है तो हो सकता है कि इतना बड़ा फैसला आप इस कोरोना काल में, वो भी ऐसे समय में जब लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन किस तरीके से अटैक कर रहा है प्रदेश के ऊपर, देश में किस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में इस जेल भरो आंदोलन की जरूरत क्या थी? क्या इसको कुछ समय के लिए टाला नहीं जा सकता था? तारा देवी जी, सर हम 36 दिन से अपना धरना टेक रहे हैं, हमने मतलब इतनी बड़ी मांग नहीं है हमारी सरकार से कि सरकार ने हमने इतने दिन से ठंड में बारिश में बैठा रखा है, हमारी तो केवल 2 ही मांग थी जो सरकार ने पहले घोषणा कर रखी थी, हमारी इतनी लंबी चौड़ी मांग नहीं है, सरकार ने मजबूर किया है हमें यहाँ खड़े होने के लिए। और कोरोना का जो आज हमने जेल भरो आंदोलन का भी जो प्रोग्राम है रेवाड़ी में, देखो हमारी सबसे पहले अपनी बहनों को यही हिदायत दी थी कि कोरोना का सबसे पहले ध्यान रखना है, डिस्टेंस से सभी बहनें बैठी थी, सभी के ऊपर मास्क, सभी के मुंह पे मास्क था। तारा देवी जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप कह रही है कि डिस्टेंस के साथ सभी बहनें बैठी थी, डिस्टेंस तो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है, आप कह रही हैं डिस्टेंस के साथ बैठी हुई थी, और जो जो प्रशासन है भाई, प्रशासन की ओर से तो अनुमति सिर्फ 100 लोगों की है, आपको लग रहा है कि जितने भी जिले में आपने ये प्रोटेस्ट आज किया, ये जेल भरो आंदोलन आपने चलाया, वहां पर 100 संख्या थी, आपको नहीं लगता है कि 100 से ज्यादा थी ये संख्या? आपने उल्लंघना की है, प्रोटोकॉल को तोड़ा है आपने सर, ये सरकार ने मजबूर किया, अगर सरकार ने इतना कोरोना का डर लगता तो हमारी बहनों की ये मांग सुन लेनी थी, हमारी बहुत बड़ी मांग नहीं है, हमारी केवल सरकार ने 2018 में घोषणा की थी पीएम सीएम ने, वो ही मांग रहे तो सरकार ने मजबूर किया हमें सर। नहीं, सरकार ने आपको मजबूर किया, लेकिन मेरा सवाल ये, देखिए आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, आपको अपनी आवाज को बुलंद करने का अधिकार है, और ये संविधान ने आपको अधिकार दिया है, ये संवैधानिक अधिकार है आपका कि आप अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है, इसके लिए कोई आपको मना नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कोरोना काल में इतना बड़ा फैसला लेना क्या यह सही था, और क्या इस जेल भरो आंदोलन को आप कुछ समय के लिए टाल नहीं सकते थे? क्योंकि सरकार तो यह कह रही है ना कि हम आपकी मांगों को लेकर गंभीर हैं, हम आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने कई फैसले लिए,
नए साल के पर कई बड़ी घोषणा आप लोगों के लिए की है, तो फिर ये ऐसा आंदोलन, वो भी जेल भरो आंदोलन इसका नाम दिया आपने, क्यों? सवाल यही है सर। सरकार ने 5 बार बुलाया, जो हमारी 2 मांग मुख्य थी उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया है सरकार ने अब तक। तो वो तो सरकार ने हमें मजबूर किया है, कोरोना काल तक सरकार ने पहुंचाया हमें। हम आज के नहीं बैठे, 36 दिन हो लिए, तो सरकार हमारी मांग से गंभीर है, तो उन्होंने पहले से ये दे देना था। और जो मांग सरकार कह रही है ना कि हमने 29 को दिया, वो खास कोई मांग नहीं थी, वो उनकी अपनी योजना थी, उसी से लागू किया है। हमारी जो मुख्य मांग थी उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है सतराज जी, क्या हो रहा है ये प्रदेश के अंदर? कभी आंगनवाड़ी वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी कोई और प्रोटेस्ट कर रहा है। कोरोना काल में अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी सर, आपने अपने रैलियां धरने सभाओं को किस तरीके से स्थगित करने का फैसला किया है, लेकिन अगर जेल भरो आंदोलन का नाम देकर इस तरीके से भीड़ जुटाई जाएगी, क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा है प्रशासन? देखिए आसिम जी, आप बहुत अच्छी डिबेट जी इस बात को लेकर, कल भी मैं इंडिया न्यूज हरियाणा एक चैनल के ऊपर डॉक्टर्स की हड़ताल के ऊपर मैं था जी। माननीय डॉक्टर परमार जी उसमें आए थे, उन्होंने कहा कि हमारी बहुत छोटी छोटी मांगे हैं और ये सरकार को मान लेनी चाहिए, और स्वास्थ्य मंत्री ने भी हमारी फाइल को आगे कर दिया। मैंने वही यही बात की थी। आज जो हमारे पैनल में बैठी है बहन, वो भी ये कह कि हमारी छोटी छोटी मांगे हैं। आप छोटी छोटी मांगों के लिए इतना बड़ा बड़ा आंदोलन, इतने लोगों को आप उनके जीवन के साथ खिलवाड़ का मौका देते हैं। आप बड़ा आश्चर्य, एक तरफ कोरोना का महामारी प्रसार रही है और आप उससे भयभीत है, प्रशासन लेकर सचेत है, सरकारें दुनिया भर की इसको निमटने के लिए अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है, और इनके लिए छोटी छोटी मांगों के लिए जेल भरने की बात आ जाती है। इसके लिए मैं कल तो नहीं, लेकिन आज भी वही भाषा इन्होंने बोली, वही भाषा उन्होंने बोली। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, जो सामने बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और दूसरी पार्टी के भी आएंगे, क्या आपको इनका आंदोलन का समर्थन है? वास्तव में इस देश के अंदर कुछ आंदोलनजीवी, जो परजीवी जिसका नाम मैंने बहुत समय पहले दिया था, हालांकि बाद में ये पॉलिटिकल भी हो गया, ये केवल अपने उस स्वार्थ कारण से कर्मचारियों के माध्यम से ये संघर्ष निधि मेंबरशिप उस प्रकार का ये पैसा इकट्ठा करके। सत्यराज जी, ये तो बात आपको भी सोचनी पड़ेगी ना, सत्यराज जी ये बात तो आपको भी सोचनी पड़ेगी ना, कि कोई आप अभी से धरने पर बैठे नहीं है, ये पिछले 1 महीने से चल रहा है ये धरना, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 5 बार बातचीत भी हो चुकी है, सहमति नहीं बनी उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया, वो बात अलग है कि कोरोना काल में ये बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था, हम भी इसके पक्षधर नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि उनको मजबूर किया गया आपकी ओर से, जब उनको कोई और रास्ता नहीं दिखा उसके बाद ये फैसला उन्होंने लिया। उसके बाद भी एक रास्ता था जी, कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण से इस आंदोलन को हम स्थगित करते हैं, समय पर फिर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, ये स्वयं कह चुकी बहन जी कि हमारे सरकारों पर, सरकार ने घोषणा की हमारी मांगों पर, और बहुत बड़ी मांग नहीं है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये इनका स्टेटमेंट है कि बहुत बड़ी मांग नहीं है और सरकार उस पर सहमत है, तो जो मांग नहीं मानने के सर, अगर बहुत बड़ी मांगे नहीं है, सत्यराज जी मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी मांगे नहीं है जी, अरे सुनिए जी सत्यराज जी, मैं सुनूंगा पूरी बात आपकी, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, उसके बाद आप बोलिएगा, कोट कर रहा हूं जी जी, सुनिए हाँ, मैं भी वही बात कह रहा हूं, मैं भी आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, अगर सरकार को लगता है और इन आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी लगता है कि उनकी मांगे बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है सर, मैं छोटा सा सवाल है, इसके बाद आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, अगर सरकार को भी ये लगता है, अगर आपकी पार्टी को भी ये लगता है और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी ये लगता है कि ये जो मांगे हैं ये बहुत ज्यादा बड़ी मांगे नहीं है, तो फिर सर इसको सुलझाने में 1 महीने से ज्यादा का वक्त कैसे लग गया और अभी तक मामला सुलझा नहीं है? देखिए असीम जी, जब सर अमित नाम है मेरा, सत्यराज जी अमित नाम है मेरा, असीम नाम नहीं है, अमित अमित जी, मुझे उन्होंने बताया था असीम अमित जी सॉरी, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि प्रक्रियागत कुछ देरी होती है किसी कारण से, जब प्रदेश का मुखिया सहमत है
मांगने वाले सहमत हैं जी, उसके बाद जो समय बीतता है वो प्रक्रिया बस होता है और प्रशासनिक प्रक्रिया जो है उसके अंदर जो समय लगता है वो किसी का भी नहीं होता, वो उन्हें देने वाले का होता है, वो प्रशासनिक मजबूरियां होती है जिसको उसको चैनलाइज करना होता है जी। और फिर भी यदि किसी चीज के लिए देर हो रही है तो आपने जब बात की तो उन्होंने सहमति दी कि आपकी जायज मांगे हैं, आप भी स्वयं हा कर रही है और सरकार के पक्षकार के लिए में हम भी कह रहे हैं कि आपकी मांगों पर बहुत ज्यादा सहानुभूति पूर्वक विचार किया और सहमति दी। कल भी डॉक्टर्स के बारे में बात की थी कि सरकार सहमत है और फाइल आगे गई हुई है। ऐसे समय में इस प्रकार के आंदोलन के पीछे क्या कहा जाए, जिसको मैं नाम देता हूं वो है आंदोलन जीवी, वो परजीवी जो दूसरे की जीवन के ऊपर अपना जीवन सुरक्षित करके चंदा आदि से और धरने प्रदर्शनों से अपनी आजीविका और अपनी राजनीति संगठनात्मक चलाते हैं, वो वही लोग हैं जो केवल न केवल अपने जीवन को जो इस पे जोखिम में डालते हैं हाँ। बल्कि आम व्यक्ति का भी जीवन जोखिम में डालने का ये चैनल बनते हैं कोरोना के। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े अदब से सम्मान से और जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि इन सबको ये जो समय क्रिटिकल है इस देश के लिए, आम व्यक्ति के लिए, खुद के लिए, उन सबको इस प्रकार की घटनाओं से बचना चाहिए। और सरकार ने बहुत सी चीजें आपके बिना मांगने पर भी दी है, लेकिन सरकार की सीमाएं है और किसी को भी देने की भी एक सीमाएं होती है, उन सीमाओं के अपनों को भी जानना चाहिए और सरकार को भी जानना चाहिए। दोनों पक्ष सीमा के अंदर बीच में रहकर करेंगे तो सबका भला होता है, सबका भला करने के लिए सरकार है, सरकार किसी दूसरे को नहीं देना होता। जो कुछ कलेक्शन होता है रेवेन्यू का वो अपने कर्मचारियों के बीच ही देना होता है, ठीक, दूसरी जगह नहीं होता है। तो विकास सतव्रत जी लौटूंगा मैं आपके पास, सतव्रत जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं लौट रहा हूं आपके पास। बाल मुकुंद जी, जो कुछ भी आज हुआ, क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है? देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि हो सकता है कि इनकी मांगे जायज हों, हो सकता है जो वो डिमांड कर रहे हैं सरकार के सामने, जो मांगे रख रहे हैं उनको लगता है कि जायज है तो वो रख सकते हैं, उनको संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कोरोना काल में इस तरीके से भीड़ जुटाना, सड़कों पर जुट जाना, मुंह पर मास्क किसी के है किसी के नहीं है, सामाजिक दूरी का पालन ना करना, कोरोना के इस भयंकर खतरे के बीच कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करती है क्या? देखिए दो चीजें अमित जी। जी, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सबको अधिकार है कि वो अपना धरना प्रदर्शन आंदोलन सब कुछ कर सकता है इस देश में। आंदोलन करने वाले लोगों को ये विद्वान लोग आंदोलनजीवी बोलते हैं, लोग इनको भी रक्तजीवी बोलते हैं, रक्तजीवी यानी कि खून के प्यासे, तो रक्तजीवी से तो नीचे नीचे है, चाहे आंदोलन जीवी हो चाहे परजीवी हो कुछ भी हो। विषय ये है अमित जी, ये जो हमारी आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, आज आई क्यों प्रदर्शन के लिए, मजबूर क्यों हुई? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, सारी की सारी माँ बहने अपने परिवारों को बाल पड़ोस के मतलब ऐसे यू तो है नहीं, कोई बाहर से आई हुई, कोई ऊपर से आसमान से आकर के एकदम से प्रस्तुत हो गई है जी। इनका भी परिवार है। आज सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार हमारी एक तरह से माई बाप है, मालिक है। आंदोलन करने की नौबत क्यों आई ये कौन सोचेगा? ये तो सरकार ने सोचना पड़ेगा ना। दूसरी एक बात आपको बताता हूं, किसी भी तरह की कोई चेतावनी होती है, वैद्य तद से लगा था आम आदमी का आना बंद है, या यहां जूते उतारिये या इसे आगे मत जाइए। अगर बीएसएफ की कोई काउंटर सीमा है ना बोर्ड रेखा, उस पे लिखा रहता घुसपैठियों को देखते ही गोली मार दी जाएगी, यानी कि चेतावनी। इनको किसी ने कहा है कि भाई आपने जैसे एस्मा लगा दिया कल, किसी ने इनको चेतावनी दी है कि आपने आंदोलन नहीं करना, या आज तक भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, कोई चेतावनी है नहीं, तो ये तो आंदोलन करेंगी बेचारी। इनको इनका तो प्रजातांत्रिक अधिकार है, जवाब सरकार के पास नहीं है। कितने लोग आंदोलन पे हैं, किसान आंदोलन पे हैं, आशा वर्कर आंदोलन पे है, आंगनबाड़ी वर्कर हड़ताल पे, अतिथि अध्यापक हड़ताल पे, रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पे, डॉक्टर हड़ताल पे है, पूरा देश ही हड़ताल पे। बाल मुकुंद जी, ऐसी हड़ताल तो आपके समय पे भी होती रही है, तो ऐसा तो है नहीं कोई पहली बार हो रही है भाई। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर समय समय पर इस तरीके से प्रोटेस्ट करते रहे, तो ऐसा तो है नहीं कि पहली बार हो रही है, इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, या आपकी सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है, आपकी सरकारों के समय में भी ऐसा होता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना काल में क्या इसकी इजाजत दी जा सकती है? कोरोना काल का तो बहाना है जी,
जी ये जमीन की मांग ये दुखी हो गई, ये भी अपने बच्चों को कोरोना का आप मानते नहीं कि कोरोना कोई बीमारी है। जिस बात को पर बीमारी तो ये हाँ मैं कर रहा हूँ सतपथ जी, मैं पूछ रहा हूँ उनसे, मैं पूछ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास सतपथ जी, आ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ। तारा देवी बैठी है, इनका दर्द सुनो आप, इनके बच्चे छोटे छोटे, इनको कौन देखेगा, इनके इनके कोई इनका भी कोई माँ बाप होगा, यानी जान जान को जोखिम में डालकर बालमुकुंद जी आप ये कह रहे हैं कि जान, आप मेरी बात सुनो, जान चाहे रहे या ना रहे लेकिन मांग पूरी होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं मांग 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 जान, फिर मरेंगे तो वैसे मरेंगे, भूखे मरेंगे। सरकार तो बड़ी सरस्वती के उद्घाटन करा रही है, गीता महोत्सव चला रही है, अमृत महोत्सव चला रही है। नहीं, गीता महोत्सव बहुत पहले हुआ था सर, ओमिक्रॉन के आने के बाद, ओमिक्रॉन के पहले हुआ है, ओमिक्रॉन बाद में आया देश के अंदर, गीता महोत्सव पहले हो चुका है। नहीं क्या आया बाद में, कोरोना तो 2 साल हो गए कोरोना को आया। नहीं सर वो बात ठीक है आपकी, लेकिन उतना प्रकोप नहीं था ना, WHO ने ओमिक्रॉन तो बाद में आया ना देश के अंदर सर, उतना इतना क्या होता है सर जी, आप भी अमित जी कमाल करे हो, प्रकोप है कि नहीं, WHO महामारी घोषित है वो, तो उस महामारी में ये गीता जयंती बाद में नहीं मनाई जा सकती थी क्या सर? आप क्यों रैलियां कर रहे थे, आप रैलियां क्यों कर रहे थे, राहुल गांधी उत्तराखंड में रैलियां क्यों कर रहे थे, पंजाब में रैलियां क्यों कर रहे थे, यूपी में रैलियां क्यों कर रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा, बताइए मुझे। हमने कोई रैली नहीं करी हरियाणा में, ऐसी बात आप कर रहे हैं, हरियाणा की बात, मैं हरियाणा की बात ही नहीं, आपने कहा ना आपने देश की बात की ना, महामारी तो पूरे देश में है ना सर। मैं हरियाणा के बारे में बोल सकता हूँ, मेरी कुछ सीमाएं हैं, मैं हरियाणा का प्रवक्ता हूं, हरियाणा के बारे में बोल सकता हूं। नहीं ठीक है आपकी सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन जब आप देश की बात करेंगे तो देश में ही आता है ना, उत्तराखंड पंजाब देश में ही आता है सर, राजस्थान देश में ही आता है सर। मैं कहता हूं बिल्कुल आता है जी। सरकार को हिदायतें जारी करनी पड़ेगी जनाब, अमित जी देखिए मेरी बात सुनिए जी, ये सरकार मुखिया मुख्यमंत्री मेरे भी है, वो प्रधानमंत्री मेरे भी है, वो जनता के नुमाइंदे चुन के जाते हैं, सरकार को बनाते हैं, सरकार फिर आगे शासन व्यवस्था कायम करती है। तारा देवी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, फिर तो हड़ताल ही नहीं रहेंगी। आपको ये भी तो देखना पड़ेगा सतपथ जी, ये तो बात सही है बालमुकुंद जी जो कह रहे हैं, ये तो बात सही है कि क्या कर्मचारियों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तो 14 जनवरी से हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर चले जाएंगे, आपने एस्मा लगा दिया, तो क्या आने वाले समय में आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी ऐसा ही भुगतना पड़ेगा क्या, क्या उनके ऊपर भी एस्मा लगा दिया जाएगा? देखिए अमित जी, जी आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा बाद में, पहले कांग्रेस के प्रवक्ता के इस बयान पर मेरी घोर आपत्ति है कि कोरोना बहाना है। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि मैं इनको परजीवी या मैं ये तो कह रहे हैं हम रक्तजीवी है, लेकिन मैं परजीवी और आंदोलन जीवी कह रहा हूँ, ये वही भाषा है जो चिताओं के ऊपर राजनीति करते हैं, ये वही हाथ है जिसका हाथ खून से सना हुआ है, ये लोगों को राजनीति और भड़काने का काम है। इस देश के अंदर ये कोई आफत भी आने की ऐसी मांगे हैं जिससे उनका जीवन अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, ये कोरोना है जिसके कारण से जीवन खतरे में आ सकता है, लेकिन जो मांग है जो पूरी नहीं हुई है उससे जीवन खतरे में नहीं है, ये देश भी यही है, हम और आप भी यही है, यदि स्वस्थ रहेंगे जीवित रहेंगे तो ये मांगे हमारे ऊपर लागू होंगी, और यदि ये स्वस्थ और जीवन ही नहीं रहेगा, जैसे बालमुकुंद जी ने बड़े सस्ते से कह दिया इनको मरेंगे, तो इसका मतलब आपके लिए ये मरने की चीज है, इनको कोरोना से मारोगे तो सरकार को घेरोगे और कोरोना लाने के लिए मारोगे तो सरकार को घेरोगे, आपकी बड़ी शालीनता और सभ्यता से मैं बता रहा हूं बात, बालमुकुंद जी आप थोड़ा सा संवेदनशील बनिए, आप लोगों की भावनाओं के ऊपर खेल कर बात नहीं करना चाहिए, इस समय सब लोगों को एक ही मत है कि हम सब अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, ये मांग हमारी तब कामयाब होगी जब हम जीवित रहेंगे, हमारा जीवन रहेगा, पर यदि लेकिन सर इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की है ना, सरकार आपकी है, तो ऐसा क्यों बार बार मजबूर होना पड़ रहा है, चाहे वो डॉक्टर्स हों, ये मजबूर, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर्स हों, चाहे वो फार्मर्स हों, अमित जी चाहे वो टीचर्स हों, तो सर इसका इसका संज्ञान तो आप ही को लेना पड़ेगा ना, सरकार तो आप ही की है, ये जिम्मेदारी तो आप ही की बनती है, बाकी सरकार भी ले रही है जी। जब जो आंदोलनकारी ये स्वयं स्वीकार करते कि हमारी छोटी छोटी मांगे, ये मेरा शब्द नहीं है, ये आंदोलन करने के लिए तारा देवी जी बोल रही है छोटी छोटी मांगे, तो तारा देवी जी बहन जी कृपा करो इस जनता पर और अपने परिवार पर, जो छोटे छोटे बच्चे आपके, मैं देख रहा था आपकी बगल में उनको आप प्यार कर रही थी, उनके ऊपर रहम करो और इस आंदोलन को समाप्त करो, सरकार आपकी है, आपके लिए है, आपके द्वारा है, ये सब चीजें आप
आपके और हमारे जीवित रहते होंगी। यदि हमारा जीवन संकट में आएगा तो हमारे कारण से कितने लोगों का जीवन संकट में आएगा। आज जो ये आंदोलन जीवी इस आंदोलन को कर रहे हैं कोरोना को बढ़ाने के लिए, यही आंदोलन जीवी जब ये कोरोना का बढ़ेगा, जब हॉस्पिटल्स में भीड़ होगी, डॉक्टर्स की कमी होगी, तो यही आंदोलन जीवी उस विषय को लेकर चलेंगे कि सरकार के पास व्यवस्था नहीं। आज कोरोना बढ़ाने में योगदान दे रहे और कल ये जो है इस बात को लेकर कहेंगे कि सरकार के पास इन चीजों का संसाधनों की कमी है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक नम्र निवेदन है कि आप जो है इस आंदोलनों को धरनों को तब तक आप स्थगित कीजिए जब तक आपका जीवन संकट के लिए आह्वान कर रहा है, सारी दुनिया कह रही है, भारत और हरियाणा नहीं। बाल कोंकण जी ने बड़ा छोटा सा शब्द बोल दिया कि मेरे को हरियाणा है। अरे हरियाणा के अंदर भी बाहर के लोग भी हरियाणा से जाते हैं, बहुत लोग बहुत जगह है। इसलिए यह कोरोना हरियाणा का कोरोना हरियाणा के लोगों को नहीं जाएगा, हरियाणा से कितनी कोरोना दूर तक जाएगा और दूर से आने वाले लोगों का यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये एक विषय बहुत गंभीर है, डॉक्टर्स के लिए चिंता का विषय, परिवार के लिए चिंता का विषय, उनके बच्चों के लिए चिंता का विषय और स्वयं आंदोलन जीवियों के लिए ये जीवन को संकट में डालने का है। सत्यव्रत जी, सवाल यही है सर, जिनको आप आंदोलन जीवी कह रहे हैं ना सर, जिनको आप आंदोलन जीवी कह रहे हैं, जिनको आप परजीवी कह रहे हैं ना सर, कोरोना काल में इनकी ड्यूटी लगाते हैं आप सर, सरकार इनकी ड्यूटी लगाती है कोरोना काल में, आप मानिए ये बात। पिछले दो साल में हमने देखा है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की भी ड्यूटी लगाई गई है, ये लोग भी काम आते हैं आपके, सरकार का सहयोग करते हैं ये। अमित जी सरकारी कर्मचारी 24 घंटे का कर्मचारी होता है जी, और वो अपना अपॉइंटमेंट अपनी इच्छा से लेता है, सरकार के पास आवेदन करता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूँ, सरकार इंटरव्यू लेकर उसकी सहमति लेकर सिलेक्शन देती है। और सरकारी कर्मचारी 24 घंटे का कर्मचारी है। मैं स्वयं 23 साल हरियाणा के शिक्षा विभाग में मैंने काम किया है, मैं स्वयं इस बात पर सहमत हूँ कि आज तक 23 साल की उम्र सर्विस के दौरान कितने आंदोलन और कितने धरने प्रदर्शन और कितनी हड़ताल हुई, मैंने कभी भी सरकार के खिलाफ हड़ताल के अंदर भाग नहीं लिया। ठीक है, 24 घंटे का मैं आता हूँ आपके पास सर, मैं लौट रहा हूँ, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। मैं समझता हूँ, लेकिन कर्मचारियों को भी जी, अपने आप को, अपने परिवार को और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए ये पहले जरूरी है कि हमारा जीवन सुरक्षित हो, और जीवन सुरक्षित होगा तभी ये सब चीजें लागू होती है, जीवन के अभाव में कोई चीज लागू नहीं होती। नहीं, बिल्कुल सही बात है, और ये बात तो हम भी कह रहे हैं कि जान है तो जहान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बार बार इस बात को कहते हैं कि जान है तो जहान है। मैं सत्यव्रत जी आपके पास आऊंगा और ब्रेक के बाद, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो तारा देवी जी के पास मैं जाऊंगा और सीधा सवाल उनसे ये किया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि सरकार बार बार ये कह रही है कि ये परजीवी हैं, ये आंदोलनजीवी हैं, और जो प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ वो भी इस बात को बार बार कह रहे हैं। कल भी हमने देखा कि जब डॉक्टर्स के ऊपर एस्मा लगाने का काम किया, डॉक्टर्स के स्ट्राइक को लेकर सरकार की ओर से, तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से कहा गया था कि कोई ना कोई शक्ति इनके पीछे काम कर रही है, तो क्या आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के पीछे भी कोई ऐसी शक्ति है जो काम कर रही है और इसकी वजह से कोरोना काल में भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है? जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, फौरन लौट रहे हैं।